वाले हैं, थोड़ा सा गाने के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मेरा सॉन्ग इंट्रोवर्ट, ये 1 जून को रिलीज़ हो रहा है। और जो इंट्रोवर्ट की जो कहानी है, इसमें जिसमें दिल्ली की लड़की है रिचा गुलाटी, जो इसकी कहानी है वो थोड़ी सी बहुत डिफरेंट दिखाई गई है। थोड़ा आप समझ लीजिए, मैं पूरा तो नहीं बताऊंगा, वीडियो देख के आप समझ आना। बट ऐसा है कि एक लड़की इमेजिन कर रही है सब कुछ, उसमें बहुत चीज़ें हैं, प्राइवेट जेट है, गाड़ी है, अवार्ड फंक्शन है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लोकेशन है। तो आप वीडियो देखोगे, आपको ज़रूर बहुत अच्छा लगा। और जो गाने की बात है, ऑडियो की बात है, इसमें थोड़ा सा मैंने अर्बन स्टाइल तो डाला हुआ है गाने में। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट, जो लड़की, जो आजकल के जो यंग बच्चे जो बात करते हैं, यार शी इज़ सो इंट्रोवर्ट, अरे वो बहुत एक्सट्रोवर्ट है यार, सो उसको लेके हमने ये गाना बनाया। तो आप रियल लाइफ में कितने इंट्रोवर्ट? मैं एक्चुअली जब मैं म्यूज़िक बनाता हूँ तो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होता हूँ, तो मैं फ़ोन वोन साइलेंट करके एकदम अपने आप में गुम हो जाता हूँ, किसी की नहीं सुनता हूँ, तो तभी मैं सिर्फ म्यूजिक करता हूँ, अदरवाइज मैं बहुत एक्स्ट्रा हूँ। इस गाने में आप फीचर भी करने वाले हैं, तो कैसा एक्सपीरियंस? हाँ, इसका वीडियो बन चुका है, सब कुछ ऑलरेडी ऑलमोस्ट रेडी है, तो इसमें गाने में मैं हूँ और रिचा गुलाटी बस। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा शूट करने के दौरान, क्या कुछ फनी मोमेंट्स हैं, अगर आप इस बारे में कुछ शेयर करना चाहें? जब हम शूट कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, क्योंकि सेट पर तो मजाक मस्ती चलती रहती है, बट बहुत मज़ा आया शूट करके। सो आप जब म्यूज़िक वीडियो देखोगे, उसके बाद हम एक छोटा सा इसका बिहाइंड द सीन भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो म्यूज़िक आपकी लाइफ में कितना मायने रखता है, म्यूज़िक क्या है? मेरी लाइफ में एक्चुअली म्यूज़िक ही मायने रखता है, क्योंकि मैं वडाली घराने से हूँ, वहाँ से मैं निकला हूँ, वहाँ से मैंने सीखा है, तो म्यूज़िक इज़ एवरीथिंग फॉर मी, उसके बाद बाकी चीज़ें आती हैं। तो सिंगिंग के लिए सबसे ज़्यादा कौन आपको इंस्पायर करता है, कौन से ऐसे सिंगर हैं जिससे आप इंस्पायर्ड होते हैं? नुसरत फतेह अली खान साहब और वडाली साहब। तो उनका कोई गाना है जो अगर आप हमारे सामने अगर दो लाइनें गुनगुना दें उनके कोई गाने? बिल्कुल बिल्कुल, अभी मेरा थोड़े दिन पहले ही गाना रिलीज हुआ है लोए लोए, जो मैंने रिप्राइज नुसरत साहब को डेडिकेट किया है। दिल दा रोग मुका जा माही, अखियां दी प्यास बुझा जा माही, तत्तड़ी नू गल ला जा माही, लोए लोए आ जा माही लोए लोए आ जा माही लोए लोए घर आ जा माही। ये उनका और वडाली साहब का जो एक गाना है, हमारा बहुत दुख भरी खबर आई थी बीच में, जो चाचा जी एक्सपायर हो गए थे, तो उन दिनों मैं एक गाना रेडी कर रहा था, तू माने या ना माने दिलदारा का एक रिप्राइज वर्जन रेडी कर रहा था, उसकी भी मैं दो लाइनें सुनाता हूँ आपको। तू माने या ना माने दिलदारा, ऐसा ते तेनू रब मने आयो, तू माने या ना माने दिलदारा, ऐसा ते तेनू रब मने आ, दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, असा ते तेनू रब मन्या, तू माने आना माने दिलदारा, असा ते तेनू रब मन्या। कल जो ट्रेंड है जो बॉलीवुड में चल रहा है, बहुत ही कमाल चल रहा है एक्चुअली, आई डोंट नो कि क्या चक्कर है। पुराने गाने को पहले रिमिक्स किया गया नए म्यूज़िक में, अभी जो पुराने गाने हैं उनकी एक टैगलाइन लेके बाकी सारा म्यूज़िक एंड कंपोजिशन लिरिक्स चेंज कर देते हैं, तो एक दिमाग में रह जाती है कि यार ये हाँ वो गाना, जब वो गाना शुरू होता था तो सुनने में थोड़ा वेरिएशन लगता है और बहुत अच्छा लगता है। सो वैसे ही मेरे चंपक जी से जो बात हुई थी, अभी उनके लिए गाना मैं ऑडियो रेडी कर रहा हूँ, बहुत जल्दी वो भी रेडी हो जाएगा, बहुत हिट गाना है, सुपर हिट गाना है हमारा उर्वशी उर्वशी, सो वो भी आपकी दुआ से जल्दी मैं सामने लेके आऊँगा। तो आने वाले समय में आप गाने में तो फीचर कर ही रहे, लेकिन कोई फिल्म में आप फीचर करते हुए दिखाई देंगे? फिल्म में मेरा कोई प्लान नहीं, क्योंकि मेरा सारा जो फोकस है म्यूजिक पे है। तो आने वाले समय में कौन से गाने पर काम कर रहे हैं, थोड़ा सा अगर आप अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताना चाहें? अभी तो जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है ये है इंट्रोवर्ट, जो 1 जून को रिलीज हो रहा है। उसके बाद एक्चुअली मेरा जो मेन फोकस है वो प्लेबैक है, सो वो भी मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा सरप्राइज है, तो अगर अभी खोल दे तो सरप्राइज हट जाएगा। तो करंट टाइम में जो है बहुत सारे सिंगर्स हैं, अरिजीत की बात करें, अंकित तिवारी की बात करें, तो किसे अपना कंपटीशन मानते हैं, क्योंकि सारे ही लोग अपने आप में एकदम अलग ही चल रहे हैं। अरिजीत सिंह जी तो बहुत ही कमाल है, उनकी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है किसी के साथ भी, आतिफ अपनी जगह पे है,
अंकित तिवारी जी अपनी जगह पे, सब अपनी जगह पे हैं, जो मैं किसी को कॉपी नहीं कभी करता और ना ही मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि मैं वडाली जी की तरह गा लूँ तो मैं उतनी मेहनत नहीं कर सकता, मैं नुसरत जी की तरह गा लूँ, मैं उतनी हमारी लाइफ में उतनी मेहनत नहीं है, अब हार्ड वर्क उतना बचा नहीं है, तो हम कुछ अलग कर सकते हैं, सेम वे में कुछ अलग कर सकते हैं जो हमारी अपनी पहचान बने। सो कोई कॉम्पिटिशन मेरा किसी के साथ है नहीं है। सो मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को अपने तरीके से इस मार्केट में लेके आऊँ। लास्टली फैंस को कुछ कहना चाहेंगे अपने गाने में? ये आज ये जो गाना है, ये इसकी स्टोरी है, जो एक्चुअली मेरी लाइफ का जो थीम है वो है सूफी, बट मैं कमर्शियल जो करता हूँ, जिस जब मेरे को बहुत सारे मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे, सो मैं उसको फॉलो करते हुए सारा वोट देख के ये गाना बनाता हूँ। ये थोड़ा अर्बन स्टाइल है, इसमें बहुत स्टोरी अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छी है इसमें, जो आप देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा कि स्टार्टिंग से जो एंड का शॉट है सेम है, जो बीच में जो चल रहा है वो थोड़ा डिफरेंट है। सो 1 जून को आपको सब कुछ देखने मिलेगा। सो आपकी बेस्ट विशेज चाहिए मुझे, आप मुझे ऐसे प्यार करते रहें, थैंक यू सो मच। थैंक यू। म्यूजिक के साथ बहुत अच्छा लगता है ये सॉन्ग, बट मैं फिर भी इसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ। गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, तू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा मिल गुल नाले कली होके मिल, बी एक्सट्रोवर्ट बेबी। गुम सुन रहे गुप चुप रहे बेबी तू, तू इंट्रोवर्ट बेबी, थोड़ा मिल गुल नाले कली होके मिल, बी एक्सट्रोवर्ट बेबी। थैंक यू सर, थैंक यू।